विगत कई वर्षों से मंडला बसनिया ग्राम और डिंडोरी ग्राम के लोग बसनिया बांध न बनाने को लेकर विरोध करते आए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में लोग मंडला पहुंचे और बांध न बनाने को लेकर कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन कर चक्का जाम कर देंगे। बसनिया ग्राम और डिंडोरी जिले के लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते आ रहे हैं। दरअसल इस बसनिया बांध को बनाने के लिए 18 ग्राम मंडला जिले के और डिंडोरी के 13 गांव दायरे में आ रहे हैं। आज विरोध स्वरूप ग्रामीण मंडला पहुंचे। उनका कहना है कि प्रशासन बांध बनाने को लेकर जमीन अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी कीमत पर हम अपनी पुरखों की जमीन प्रशासन को नहीं देंगे। उनका कहना है कि ना ही विधानसभा ना ही लोकसभा, हमारी ग्राम सभा सर्वप्रथम है। इन जमीनों से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हम ग्रामीण वोट नहीं करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि 7 दिन के अंदर यदि प्रशासन निरस्तीकरण का आदेश नहीं देता है तो वे उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर सलोनी सिडाना का कहना है कि अधिग्रहण के लिए यह एक प्राथमिक अधिसूचना है, इसमें ग्रामीणों की राय ली जाएगी। वहीं कलेक्टर का कहना है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ग्रामीण को भड़काया जा रहा है। पिछले 27/12/2022 को भी हमने ये कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए माननीय राष्ट्रपति राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो कहना चाहिए किसी को कहते थे कि ना लोकसभा ना ग्राम सभा सबसे ऊंची, ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, ग्राम सभा को सर्वसर्व माना है। हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव सबमिट करके दिए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है दादागिरी से अभी 31/8/2023 को अधिसूचना जारी किया, इसलिए हमें मजबूरी में हमें आना पड़ा कि भाई हमारे क्षेत्र के इसको नहीं चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे आस्थाएँ जुड़ी हुई है। हमारे खाली जमीन और मकान से मतलब नहीं है, हमारे जो पुरातन आस्थाएँ जुड़ी है। क्या सरकार हमारे जो खेरों मेड़ों और जो हमारे पूर्वजों का जो हमने वह धरती दाई में हमने वहाँ दफनाए हैं उसका पूरा मुआवजा देगा सरकार? हमारा समस्या है सर, सबसे प्रथम तो फर्जी मस्टर निकाल करके जो है सरपंच द्वारा गमन किया जा रहा है, और जून के महीने में एक सप्ताह का काम किया है, जो मजदूर हमारे साथ में है ये मजदूरों का जो है पेमेंट नहीं किया गया है। खंती फेंकवा करके उनका जो है जीरो फीड करके उनको जो है फीड करवा दिया गया, और ये हमारे लेबर जो अभी साथ में आए हैं ये अभी आपके समक्ष जो है साक्षी हैं। और दूसरा पॉइंट है सर, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मोहर में ये 6 माह से मासिक मीटिंग नहीं लिया गया, और 6 माह से शासकीय पैसा का दुरुपयोग किया गया है, और शासकीय पैसा का ना सरपंच और पंचों का कोई सहमति नहीं है, और राशि का गमन किया गया है कोई सहमति नहीं, कोई सहमत नहीं, वो जो है पूरा मैं मानता हूँ सर कि गमन किया गया है, पंचों का अधिकार जो है कोई अवहेलना की जा रही है। बसनिया बांध के लिए जो है जो भूमि अधिग्रहण होना है अभी केवल उसकी प्रारंभिक सूचना जारी की गई है, जिसके पश्चात में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होती है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होते हैं, उसी के बाद कोई निश्चय लिया जाता है। इसी में हमने कुछ देखा है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो शायद उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भूमि अधिग्रहण का फाइनल आदेश है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भूमि अधिग्रहण का केवल प्रारंभिक एक सूचना है, जिससे सर्वे चालू होगा और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो सामाजिक अंकेक्षण है वो होगा, उसमें अगर किसी को आपत्ति आती है तो उसका पूरा निर्णय लेने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाती है। इसमें मंडला जिले के जो अढ़ारी से प्रमुख ग्रामीण आए थे, हमने उनको पूरे अच्छी तरह से समझाया है, जो कुछ अन्य जिलों से लोग भी आए थे उन्हें भी ये समझाया गया है कि आप ग्रामीणों को कोई अन्य बात बताकर भड़काने की कोशिश न करें, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनता के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए और ग्राम पंचायत में उनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ही आगे निर्णय लिया जाएगा।
नहीं, उसकी पहल की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक मिसकम्युनिकेशन है। जो भी सूचना भी जारी हुई है वो प्रारंभिक सूचना है, वो कोई भूमि अधिग्रहण का आदेश नहीं है। तो हम अपनी तरफ से ये पहल करेंगे कि हम सभी ग्रामवासियों को वहाँ ग्राम में जा जाकर समझाएंगे कि कृपया वो इस जो अधिसूचना के नाम पे उनको जो पत्र दिखाया जा रहा है वो एक फाइनल ऑर्डर नहीं है। वो इसके आपस के अंतर को, इसको समझें और इस चीज़ को समझें कि एक सिर्फ प्रारंभिक सूचना है। इसके बाद उनकी आपत्तियाँ इन्वाइट की जाएंगी, सर्वे किया जाएगा और यदि इसमें आपत्तियों में कुछ भी जो आता है उसके अनुसार ही नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।